दोस्तों बहुत से ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसकी सही जानकारी हमें हो, प्रयोग करने के बारे में पता हो, तो किसी भी बीमारी को बढ़ने से पहले ही घर पर इलाज कर सकते हैं और हमेशा हम स्वस्थ रह सकते हैं। पहले के लोग इन्हीं जड़ मूल कंद औषधियों से अपना इलाज किया करते थे। दोस्तों रुद्र होम रेमेडीज के द्वारा हम आपको इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग और इससे होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हर किसी को आयुर्वेद का नॉलेज हो और वो अपना इलाज खुद से कर सके। इसी कड़ी में हम आपको आज अर्जुन की छाल के फायदे और प्रयोग करने का सही तरीका बताने वाले हैं। तो वीडियो से बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए सबसे पहले जानते हैं अर्जुन की छाल है क्या। अर्जुन का पेड़ भारत में होने वाला एक औषधीय वृक्ष है। इसकी छाल पेड़ से उतार लेने पर फिर से उगाती है और छाल का ही आयुर्वेद में प्रयोग होता है। छाल बाहर से सफेद, अंदर से चिकनी, मोटी और हल्के गुलाबी रंग की होती है। लगभग 4 मिलीमीटर मोटी यह छाल साल में एक बार खुद निकलकर पेड़ से नीचे गिर जाती है। इसका स्वाद थोड़ा कसेला होता है, तीखा होता है। अर्जुन का छाल का उपयोग भारतीय आयुर्वेद में एक पुराना तरीका है। बहुत से स्टडीज में इसके बेनिफिट्स की जांच की गई है। अर्जुन के छाल में विशेष रूप से फ्लेवोनॉइड्स, फाइटोस्टेरोल, फेनोलिक एसिड, अल्कलाइड और टैनिन होते हैं। यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और कार्डियो प्रोटेक्टिव आयुर्वेदिक दवा के रूप में उपयोगी होता है। रिसर्च के अनुसार अर्जुन की छाल के फायदे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यह दिल के रोगों के लिए एक लाभदायक दवा भी होता है। एक स्टडी में पता चला है कि इसका उपयोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए भी होता है। आइए अब जानते हैं अर्जुन की छाल का प्रयोग कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हम दोस्तों सुबह की चाय जरूर बनाते हैं, हर घर में बनता है ना? तो हमें सिर्फ इस औषधि की चाय बनाकर पीना है। जी हाँ, इसमें चाय पत्ती नहीं डालना है, सिर्फ अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हम अर्जुन की छाल की छिरपाक बनाकर भी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस काढ़े को तैयार कैसे करना है, साथ में फायदों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले लेनी है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगी। अगर इसकी छाल ना मिले तो आप अर्जुन की छाल का पाउडर भी लेकर आ सकते हैं। छाल को पीसकर इसका पाउडर बनाया जाता है। ये पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा, किसी अच्छी कंपनी का ले आइएगा। ये ज्यादा महंगा नहीं होता, ये बहुत सस्ता मिल जाता है। दोस्तों इसकी तासीर की बात की जाए तो इसकी तासीर ठंडी होती है। ये हार्ट को हेल्दी रखता है, ब्लड को साफ करता है, बढ़े हुए वजन को कम करता है और डायबिटीज, अल्सर, कफ और पित्त को कम करता है। यह नसों के ब्लॉकेज को साफ करता है, डाइजेशन बेहतर करता है, शरीर में होने वाली सूजन को कम करता है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा होता है। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द है उसको भी ये ठीक करता है। लेकिन इन रोगों के लिए प्रयोग करने के तरीके अलग अलग हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच के करीब अर्जुन की छाल का पाउडर लेंगे। और दूसरी चीज जो लेनी है वो है गुड़। दोस्तों गुड़ आपके शरीर में बहुत फायदा करता है। ये जो गुड़ है आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। गुड़ में मौजूद कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसमें आयरन होता है जो खून की कमी को दूर करता है। गुड़ के अपने बहुत से फायदे हैं, तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो बगैर गुड़ का ही आपको बनाना है। तो इस काढ़े को बनाने के लिए हम 1 चम्मच की मात्रा में गुड़ लेंगे। अब हमें अगली चीज लेनी है, वो है 1 गिलास सादा पानी। हम इसको एक बर्तन में डालकर मीडियम फ्लेम में गर्म होने देंगे। अब आपको इस पानी में 1 चम्मच की मात्रा में अर्जुन की छाल का पाउडर डाल देना है। अगर आपके पास अर्जुन की छाल हो तो 10 से 15 ग्राम की मात्रा में अर्जुन की छाल ऐड कर दीजिएगा। और जब एक उबाल आ जाए तो धीमी आंच में आपको आराम से इसे पकने देना है। इसे तब तक पकाना है जब तक पानी आधा ना रह जाए, 1 गिलास पानी 1 कप ना रह जाए। जब 1 गिलास पानी सूख कर आधा बच जाएगा तो आप गैस को बंद कर दीजिएगा। अब काढ़े को 1 कप में छान लेना है और इस काढ़े में 1 चम्मच गुड़ मिला देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस काढ़े को आपको गुनगुना ही पीना है, जैसे आप चाय पीते हो उसी तरह से आपको सिप सिप कर आराम से पीना है और सुबह के समय इसका सेवन करना है।
अब ये तो हो गया काढ़ा बनाने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ अर्जुन की क्षीरपाक कैसे बनाना है। अर्जुन की क्षीरपाक बनाने के लिए आपको 250 ml पानी लेना है और साथ में उतना ही दूध लेना है और हल्के आंच पर इसे गर्म होने के लिए छोड़ देना है। इसमें आपको आधा चम्मच के बराबर अर्जुन की छाल का चूर्ण मिला लेना है और धीमी आंच पर आराम से इसे उबलने देना है। जब उबलते उबलते पानी सूख कर सिर्फ दूध बच जाए, यानी जब आधा रह जाए, तब गैस को ऑफ कर दीजिए और इसमें मिला दीजिए 1 चम्मच देशी घी। मिठास के लिए इसमें आप गुड़ या फिर मिश्री मिला सकते हैं। जब ये पीने योग्य हो जाए तो उसको छान लें और इसका सेवन करें। चलिए अब आपको काढ़े का सेवन करना है या फिर क्षीरपाक का, ये जान लेते हैं। जिनको जोड़ों से हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हड्डियां कमजोर हो गई हैं या टूट गई हैं, प्लास्टर चढ़ गया है या फिर जोड़ों से कटकट की आवाज आती है, ल्यूब्रिकेंट की कमी हो गई है, कार्टिलेज घिस चुके हैं, डॉक्टर कहते हैं घुटने बदलवा लो, तो वे लोग अर्जुन का क्षीरपाक बना कर लेंगे और लगातार इसका सेवन 1 महीने तक करेंगे। 30 दिनों तक आपको लगातार करना है। इसका सेवन आप ठंड के मौसम में भी कर सकते हो, गर्मी के मौसम में भी कर सकते हो, बारिश के मौसम में भी कर सकते हो, पूरे साल इसको लिया जा सकता है। इसके अलावा जिन्हें शुक्रमेह की बीमारी है, शरीर में कमजोरी है, वीकनेस है, आप खुद में कमजोरी फील करते हैं, शरीर में सुस्ती, थकान, आलस रहता है, या फिर जिन भी महिलाओं को लीकोरिया की समस्या हो गई है, सफेद पानी की समस्या हो गई है, तो वे लोग भी अर्जुन की छाल का क्षीरपाक बनाकर ले सकते हैं। इसका सेवन हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर कीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद है ये। इसका सेवन आपको सुबह ही करना है, नाश्ता करने के 30 मिनट बाद या फिर नाश्ता करने के 30 मिनट पहले या सुबह के नाश्ते में भी आप इसे ले सकते हो। जिनको शुगर है वे भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज बगैर गुड़ का ही सेवन करें। क्षीरपाक को सिर्फ वे लोग नहीं पी सकते जिनका हाजमा खराब हो, कमजोर हाजमे वाले व्यक्ति या फिर जिनके पेट में कीड़े हो गए हों और हर समय पेट खराब रहता हो, वे लोग इसका सेवन ना करें। इसके अलावा किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन हो। चलिए अब बताते हैं काढ़े को पीने से होने वाले फायदों के बारे में। अर्जुन की छाल का बना काढ़ा यानी चाय उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता हो। वे लोग दिन में 2 बार अर्जुन की छाल से बनी चाय यानी काढ़े का सेवन कर सकते हैं। इससे पेशाब रुक रुक कर आने की समस्या जड़ से ठीक हो जाती है। अर्जुन की छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से सदियों से हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट के लिए किया जाता रहा है और यही वजह है कि इसे दिल का रक्षक यानी प्रोटेक्टर ऑफ हार्ट कहा जाता है। अगर आपको दिल से संबंधित किसी भी तरह का रोग हो तो अर्जुन की छाल का काढ़ा रोजाना पीजिए। दिन में 2 बार इस काढ़े को पी सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति का हार्ट बीट बहुत तेज हो गया है, 72 से 150 तक जा चुका है, उसके ऊपर रहने लगा है, तो उन लोगों को 1 गिलास टमाटर के रस में 1 चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण मिलाकर नियमित सेवन करने से जल्दी ही धड़कन सामान्य हो जाती है, हार्ट बीट आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो अगर किसी को पीलिया हो गया है, ज्वाइंटिस हो गया है और बार बार पीलिया ज्वाइंटिस होता ही रहता है, इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज पेशेंट हैं, वे लोग भी इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज है तो आपको बगैर गुड़ का लेना है। ये डायबिटीज को तो कंट्रोल करेगी ही, साथ ही साथ शरीर में ब्लड को प्यूरिफाई करने का भी काम करती है, यानी ब्लड को प्योर करने का काम करती है, जिससे चेहरे की कांति बढ़ती है। इसके अलावा पाचन से रिलेटेड जिनको समस्या है, गैस, एसिडिटी की समस्या रहती है, वे लोग भी इसके काढ़े का सेवन यानी चाय का सेवन कर सकते हैं। अब मैं एक और प्रयोग बताता हूँ। जिनको भी नसों में ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज है या फिर नसों में दर्द की समस्या है, वेरिकोज वेंस की समस्या है, तो वे लोग अर्जुन की छाल का इस्तेमाल दालचीनी के साथ कर सकते हैं। जब भी आप अर्जुन की छाल का काढ़ा यानी चाय बनाएंगे तो उसमें आपको 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर ऐड कर देना है। दालचीनी के साथ अर्जुन की छाल लेंगे तो नसों के ब्लॉकेज में बहुत फायदा मिलता है, नसों से संबंधित दिक्कतें आपकी ठीक हो जाएगी। तो जिनको भी नसों में ब्लॉकेज है, नसों से रिलेटेड कोई समस्या है, वेरिकोज वेंस है या फिर नसों में दर्द की समस्या है, साइटिका हो गया है, तो वे लोग अर्जुन की छाल का इस्तेमाल दालचीनी पाउडर के साथ करेंगे तो जबरदस्त फायदा मिलेगा। रोजाना सुबह इसकी चाय बनाकर पीजिए। तो ये है अर्जुन की छाल के आयुर्वेदिक फायदे। इसका प्रयोग कम से कम 30 से 40 दिनों तक जरूर कीजिएगा, तभी आपको इसके फायदे देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हो जाएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।